हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी चिकन चंगेजी बनाने की, जो बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। वीडियो मेरी स्टेप बाय स्टेप पूरी देखिएगा। ये मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके इसके पानी को मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब हमें इसे मैरिनेट करना है, तो 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 टेबल स्पून मैंने ये गाढ़ा फ्रेश दही लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, 1 चुटकी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम 2 घंटा रख देंगे हम फ्रीज में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट मिला कर रखिएगा। ये देखिए चिकन में सारे दही के मैंने कोटिंग अच्छे से कर दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिया है, और इसके बीच के गाँठे जो होती है उसको हम चाकू से निकाल देंगे। इस तरह से हम बॉयल करेंगे ना, हमें बॉयल करना है। इसे बॉयल करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके जो ऊपर की परत है निकल जाती है। तो 3 से 4 मिनट हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बॉयल कर लेंगे। इधर गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून, और ये 2 से 3 मैंने मीडियम साइज की प्याज ले लिया है। गैस की फ्लेम हाई कर रखिएगा। प्याज को हमें 1 मिनट फ्राई करना है बस, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 मैंने काजू ले लिया है। काजू को भी थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक मिक्सर जार में। ये देखिए प्याज मेरी हो गई है। अब उसी कढ़ाई में जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसको हम डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम से पर हम 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे, जिससे कि इसमें जो दही और अदरक लहसुन मैंने डाला ना, वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए आयल बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा चिकन हो गया। अब हमें इसको निकाल लेना, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब उसी जार में हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे पोस्ता, जो प्याज मैंने फ्राई किया था, और इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखिए टमाटर भी मेरा हो गया है और ये ठंडा हो गया। ये देखिए बहुत ही आसानी से देखिए निकल जा रहा है। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया है। जब भी आप टमाटर को बॉयल करें तो इस तरह से आप करिएगा। अब एक इसकी हम फाइन प्योरी बना लेंगे। इधर एक मैंने बाउल ले लिया, उसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे हम हल्दी, और 1 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। इस चिकन में हमको इसी तरह से मसाला घोल कर बनाना है। ये देखिए अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। ये मैंने 50 ml डाला है। मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज किया, आप जो यूज करते हैं उसमें बनाइएगा। अब हम मसाले को डालेंगे। थोड़ा सा पानी उसमें बाउल में डाल के हम डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद लगातार इसको चलाइएगा और अच्छे से मसाला हम भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मसाला मेरा भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दूध। गैस की फ्लेम लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पे हम दूध को पका लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें जो टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी, उसको डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब जो मैंने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था, उसको डालेंगे। बहुत ही इजी तरीका है बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बना के ट्राई जरूर करिएगा।
अब इसे हमें लगातार चलाना है क्योंकि मैंने इसमें काजू और पोस्ता डाला तो नीचे लगने लगता है, तो लगातार इसे हमें चलाना है और बहुत ज्यादा हमें नहीं करना। देखिए मसाला मेरा भुन गया है, अब इसमें हम चिकन को डाल देंगे क्योंकि मेरी प्याज और काजू सब फ्राई किया हुआ था। अब मसाले के साथ हमें चिकन को कुक करना है, उसी बाउल में हमने डाल दिया है हाफ कप पानी। एक टीस्पून डाल देंगे हम कसूरी मेथी, जिससे कि जबकि चिकन हमारा पकेगा तो कसूरी मेथी का भी टेस्ट उसमें आ जाएगा अच्छा सा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें कवर करके 6 से 7 मिनट हमें इसे पकाना है। वाओ, ये देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और आयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, चिकन भी मेरा बहुत ही अच्छे से हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से चिकन गल गया है हमारा, इसका मतलब कि अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अभी हमें कुछ मसाले और इसमें डालने हैं। अब थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे हाफ कप, जितनी आपको ग्रेवी लगाना है, ये थोड़ा सा थिक होता है, पतला नहीं बनाइएगा। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम और मलाई, दोनों का मैंने मिलाकर डाला है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई ही डालिएगा, वो बेस्ट है। हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इन सबको डाल के हम अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया। अब इसे हमें कवर करके 1 से 1 मिनट हमें लो फ्लेम पे हमें पकाना है, जिससे कि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। अगर आपके पास केवड़ा है तो केवड़ा वाटर भी डाल दीजिएगा। ये देखिए चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब चलिए इसको हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार इसे बना के ट्राई जरूर करिएगा। ये देखिए इसे पूड़ी पराठा जिस चीज से भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये चिकन चंगेजी की रेसिपी कैसी लगी। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।